हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े का मेजरमेंट है कुर्ती का, लंबाई है 38 इंच और चेस्ट है 36 इंच, कमर है 32 इंच, हिप है 39 इंच। तो इसी मेजरमेंट से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कपड़े को फोर लेयर में कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है। उस कपड़े को हम हटा देंगे। अब हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अगर आपको बड़ा गला बनाना है तो आप 2.75 भी इंच पर निशान लगा सकते हो। और लंबाई रखेंगे हम गले की 6 इंच, आधा इंच पर निशान लगाएंगे और हल्की सी गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम आर्म होल लेंगे, शोल्डर लेंगे 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पर निशान लगा देंगे और गुलाई दे देंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर से भी गुलाई दे देंगे। अब हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो उसको हम 4 में डिवाइस करेंगे, तो 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 2 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की साइड से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप के लिए 15 इंच पर निशान लगाएंगे। इन्हीं निशान पर हमें बाकी के और निशान लगाने हैं। अब हम इसी निशान पर हम कमर का निशान लगाएंगे और इधर हिप का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 32 इंच, तो उसका चौथाई भाग निकालेंगे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, वो सॉरी 8 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप है हमारी 39 इंच, तो उसका 4 में डिवाइस करेंगे, 9.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम इन सभी निशान को इस तरीके से तिरछी लाइन खींचनी है, स्केल से एक दूसरे निशान से मिला देना है। अब 2 इंच का मार्जिन रखेंगे हम। और इधर भी हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे, तिरछी लाइन खींच देंगे। कुर्ती की लंबाई रखेंगे हम 38 इंच। 38 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे, जो हमारे नीचे फोल्ड होगा ना, चाक बनेंगे उसके लिए, तो हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और तिरछी लाइन इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। और इधर आसन रखेंगे हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच का हम इधर से निशान लगाएंगे, हल्की सी तिरछी लाइन खींचेंगे, इससे ना कोई चाक के कोने नहीं निकलते, इसलिए। अब हम इस लाइन को मिला लेंगे। यह हमारी निशान लग गया है कुर्ती का। अब हम इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर कीजिए। जो हमने ये निशान लगाए थे इन पर कट लगा देंगे। और यहाँ से शोल्डर पर से आधा इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा तिरछी लाइन खींच देंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करने से ना शोल्डर नहीं उतरते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। जो मैंने फोर लेयर में कपड़ा लिया है इस तरीके से हम छोटी बाजू बनाएंगे। साढ़े चार इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पर और इस तरीके से गुलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बाजू की। और कट लगा देंगे। 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। इधर से भी हल्की सी कटिंग कर लेंगे। हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। हल्की सी हम आगे की फ्रंट के लिए गुलाई दे देंगे इस तरीके से।